अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजॉय मैथ्स क्लास। ओके जी स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4 के 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे पेज नंबर 29 पे। हम लोग कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, फॉर द चैरिटी फंड अहमद कलेक्टेड रुपीज 468, सबा कलेक्टेड रुपीज 225 एंड आमना कलेक्टेड रुपीज 366। हाउ मच डिड दे कलेक्ट ऑल टुगेदर। हम लोगों ने अपनी नोटबुक्स रेडी कर लेनी है लाइक दिस विद डेट एंड देयर क्लास वर्क एक्सरसाइज एंड सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। हम लोगों ने क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड डॉट लगा के लास्ट वर्ड और सोल्यूशन। अब हमने करना क्या है, हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर से ही इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले एक चैरिटी फंड है जिसमें अहमद ने कलेक्ट की है मनी, सबा ने कलेक्ट की है मनी और आमना ने मनी कलेक्ट की है और उनकी टोटल मनी हम लोगों ने बतानी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अहमद कलेक्टेड, देन हम लोग लिखेंगे सबा कलेक्टेड, फिर आमना कलेक्टेड, देन दे कलेक्टेड ऑल टुगेदर। रेडी योर नोटबुक्स। ओके जी, सबसे पहले अहमद ने कलेक्ट की है मनी रुपीज 468। हम लोग जब रुपीज आ जाएगा किसी क्वेश्चन में, हम लोगों ने रुपीज जो है वो जरूर मेंशन करना है। उसके बाद सबा कलेक्टेड, सबा ने कितनी मनी कलेक्ट की है 225। देन आमना की मनी है, आमना ने कितनी मनी कलेक्ट की है, आमना ने मनी कलेक्ट की है 363। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का साइन और अब हमने इक्वल लगा के इसका आंसर फाइंड करना है, जो कि उन्होंने टोटल मनी वो फाइंड कलेक्ट की है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। हम लोग करेंगे 8 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 13। 13 में हम लोग जब 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 13 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 में हम लोगों ने 6 यहाँ पे ऐड कर लिया और ये वाला 1 जो है वो 6 पे कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे 6 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 में 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। 14 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 15। 15 का आ गया 5 और ये वाला 1 जो है ये 4 पे कैरी चला गया। ऑल राइट, 4 में हम लोग जब 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 6 में हम लोग 3 ऐड करेंगे 9। 9 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब हम 10 जो है एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हम लोग 10 का 1 कैरी नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट नंबर्स नहीं हैं, इसलिए हम लोग 10 जो है एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे और इसके साथ रुपीज आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने ये जो सम्स हैं बहुत ध्यान से, बी केयरफुल, आपने बहुत ध्यान से ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। रेहान वेंट टू द सुपर मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल फॉर रुपीज 125, मीट फॉर रुपीज 250 एंड फ्रूट फॉर रुपीज 150। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर एट द मार्केट। रेहान जो है वो मार्केट गया, उसने वेजिटेबल्स लिए इतने पैसों की, मीट लिया है इतने पैसों का और फ्रूट लिया है इतने पैसों का, तो बताएं कि रेहान ने टोटल कितनी मनी स्पेंड की है मार्केट में। आपने ये भी क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज़ अपनी नोटबुक्स पे इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपीज पे। अच्छा जी, रेहान ने सबसे पहले वेजिटेबल्स बॉट की हैं, हमने क्वेश्चन के अंदर से ही इसका सोल्यूशन फाइंड किया है वेजिटेबल्स। ठीक है, रुपीज़ कितने की 125 की, देन उसने मीट बाय किया है और उसे फ्रूट बाय किया है वो उनकी अमाउंट लिख के साथ में रुपीज लिख के ही स्पेंड ऑल टुगेदर, उसने जो टोटल मनी स्पेंड की है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 525। इसी तरह नीचे जो लास्ट क्वेश्चन है, सना बॉट अ केक फॉर रुपीज 845, शी ऑल्सो बॉट कैंडल्स एंड फॉर रुपीज 150, हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। सना ने केक लिया कितने का 845 का, उसने देन कैंडल्स बाय किए हैं 150 की और शी स्पेंड ऑल टुगेदर, उसने टोटल जो है वो स्पेंड किया है। हम लोग इनकी टोटल अमाउंट लिख के इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 995। इट्स आवर टू डेज डायरी, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक्स पे। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं।